मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाके फुलाम चौराह नस्त विश्व शांति कॉलेज 5-7 बजे शाम रब्ता करें या कॉल करें 9553521111। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कयामत के दिन अल्लाह के हाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आगाज से पहले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। रियासती हुकूमत ने इन 9 सालों में की तरक्यात को अवामी शनासा कराने के मकसद से तेलंगाना 10 साल योम तासीस तकारीफ का मना रही है जश्न। योम तिब्बी सेहत प्रोग्राम से असेंबली स्पीकर व अर्बन एमएलए बीगाला। बढ़ती ओहदेदारान की नाअहली की वजह बोर मोटर रिपेयर के दौरान बढ़ती देने से दोनों की मौत, गांव में मायूसी। मवेशियों के चारे के लिए लाई गई घास को कुछ नामालूम अफराद ने आग लगा दी। आतिश प्रो अमले ने आग पर पाया काबू, तकरीबन 3 लाख मालियत का नुकसान। अब खबरें तफसील से। सीएम केसीआर की क्यादत में तिब्बी खिदमत में खवातीन के लिए कई बदलाव। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम असरी आलात मौजूद। सीएम केसीआर की सेहतमंद तेलंगाना की ख्वाहिश। सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट दवाखानों जैसी खिदमत, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। सीएम केसीआर की क्यादत में तिब्बी शोबे में बेहतर तब्दीली लाने पर तेलंगाना रियासत भर में सरे फहरिस्त थे। जिले के न्यू अम्बेडकर भवन में योम तासीस 10 साल तकरीब के मौके पर योम तिब्बी सेहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की जानिब से तेलंगाना रियासत में खवातीन की सेहत को लेकर केसीआर किट, न्यूट्रिशन किट सरकारी अस्पतालों में जजकी करने पर 12,000 नकद, आरोग्य लक्ष्मी स्कीम और तिब्बी इलाजों के जरिए सरकारी दवाखानों की कारकर्दगी व बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जा रही। इसके अलावा रियासत के हर दवाखाने में मरीजों के लिए तमाम तर असरी आलात से प्राइवेट अस्पतालों से जायद खिदमत फ्राहम की जा रही और डिलीवरियों के लिए खवातीन को अस्पताल पहुंचाने के लिए वैन की सहूलतें और छोटे नौनिहालों के फौत की तादाद में भी कमी वाकई हुई है। इस प्रोग्राम में नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, महिला कमीशन मेंबर एस लक्ष्मी, जिला अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, कॉलेज प्रिंसिपाल इंदिरा, डीएमएनएचओ डॉक्टर सुदर्शनम व दीगर मौजूद थे। అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నగరంలో ఎందుకంటే 100 పాపులేషన్ ఇస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ కాబట్టి 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లు 4 మూలలో కట్టిస్తా ఉన్నారు మరి ఈరోజు నిమ్స్ హాస్పిటల్ 2500 పడకల హాస్పిటల్ ఇప్పటికే 2000 పడకలు ఉన్నాయి ఇంకా 2500 కోసం భూమి పూజ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు చేశారు అదే విధంగా వరంగల్ ఫ్లోర్లతో మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తా ఉంది మరి నిజామాబాద్ లో జీజీఎల్లో కూడా రకరకాలైనటువంటి సేవలు మరి ఇక్కడ నుంచి మా ప్రతిమా గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి మా డాక్టర్ ఇంద్ర గారు చెప్తా ఉన్నారు సార్ హాస్పిటల్లో మేము నీ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తా ఉన్నాం అది కూడా డాక్టర్ గారు అక్కడ కూర్చున్నారు చూడండి మరి అదే విధంగా క్యాన్సర్ చికిత్స కూడా చేస్తా ఉన్నారు సర్జరీ కూడా చేస్తా ఉన్నారు మా డాక్టర్స్ అక్కడ కూర్చున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ
విషయాల ద్వారా హాస్పిటల్లో జరిగినటువంటి గొప్ప గొప్ప విషయాలు కూడా రెండు సైడ్ల నుంచి నాకు చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా 33 మెడికల్ కాలేజీలు रियासती हुकूमत की जानिब से इन 9 सालों में अवाम के लिए की गई तरक्यात को शनासा कराने के लिए ही 10 साल तकरीब का जश्न मनाया जा रहा. असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान. बांसवाड़ा टाउन में यौम तिबी सेहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खसूसी हिस्सा लिया और उनके अपना जिला कलेक्टर जगदीश्वरी पाटिल, DMHO लक्ष्मण सिंह, RDO राजा कौर, बांसवाड़ा एरिया अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, दीगर डॉक्टर तिब्बी अमला ने हिस्सा लिया. इस मौके पर आंखों की रोशनी, KCR किट्स, न्यूट्रिशन, डायलिसिस मरीजों ने अपने तजुर्बे बताया. इस मौके पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि हर साल प्राइवेट दवाखानों की तादाद बढ़ रही. दवाखानों की तादाद में इजाफे का मतलब मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है. प्राइवेट दवाखानों से तिब्बी इलाज के खर्चों को संभालना एक आम आदमी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा. इसीलिए रियासती हुकूमत गरीबों की सहूलत के लिए सरकारी दवाखानों में कीमती आलात की फराहमी करते हुए मरीजों को प्राइवेट दवाखानों से सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट जैसी सहूलियात पहुँचा रही. जबकि तिब्बी शोबे के लिए रियासती बजट में 11,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए. बांसवाड़ा में 20 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल तामीर किया गया. आगाज के इन 2 सालों के अंदर माता शिशु अस्पताल को बेहतरीन खिदमत पर कौमी अवार्ड हासिल हुआ. मुस्तकबिल में गरीब आवाम को इस अस्पताल में और बेहतर खिदमत दी जाएगी. मरीजों की बेहतर तिब्बी खिदमत के जरिए नाम रोशन करने की उन्होंने डॉक्टर से अपील की. ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలను మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా నిన్న మహిళా దినోత్సవం జరుపుకున్నాం వన్నీలో. ఈరోజు బాన్స్వాడ కేంద్రంలో వైద్య ఆరోగ్య దినోత్సవం జరుపుకుంటా ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య సేవలు ఏ విధంగా ప్రజలకు అందుతున్నాయో డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా మనకు కొన్ని వివరించారు. ఆరోగ్య శాఖ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత శాఖ. సంవత్సరానికి పేషెంట్ సంఖ్య పెరుగుతా ఉంది. సంవత్సరానికి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల సంఖ్య 2x3x4x5 అయితే ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి దవాఖానలు కిమ్స్ కావచ్చు, యశోద కావచ్చు, కేర్ ఆసుపత్రి కావచ్చు, ఇతరతర ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క దవాఖాన ఒక్కొక్క చోట ఉంటే హైదరాబాద్ లో 4 వైపులు వ్యాపించాయి. తల్లిబిడ్డ ఆరోగ్యం ఉంటేనే దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. आलिमी योम खून अतिया के मौके पर रियासती गवर्नर के हाथों निजामाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी की बेहतरीन खिदमत पर ISO सर्टिफिकेट दिया जाएगा. रियासती गवर्नर तमिल साई निजामाबाद जिला मुस्तकर में रेड क्रॉस खून का अतिया सेंटर में इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने तनकीद करते हुए रेड क्रॉस सेंटर की तफसीली जानकारी हासिल की. इस मौके पर रेड क्रॉस खून का अतिया सेंटर में साफ सफाई, खून का अतिया लेने के तमाम तरीकों के मुताबिक जानकारी हासिल करने के बाद सेंटर को ISO सर्टिफिकेट जारी किया गया. ये सर्टिफिकेट आलमी यौम खून के अतिये के मौके पर तेलंगाना राजभवन में मुनाकद किए जाने वाले प्रोग्राम में तेलंगाना गवर्नर रेड क्रॉस सोसाइटी सदर तमिल साई के हाथों रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन बी अंजिनायलू को दिया जाएगा. इसी तरह रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार खून का अतिया देने वाले निजामाबाद जिला कोर्ट मुलाजिम के नागेंद्र को भी तौसीफी सर्टिफिकेट देते हुए शालपोशी व तहनियत पेश की जाएगी. आइंदा भी इसी तरह नौजवान आगे आते हुए खून का अतिया देने नौजवानों से गवर्नर तमिल साई ने ख्वाहिश की. इस प्रोग्राम में रियासती मेंबर टी राजशेखर के रविंदर व दिगर मौजूद थे. जहेज की मांग करते हुए एक शख्स ने बीवी को उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया. बीवी का इंसाफ के लिए शौहर के घर के सामने महिला संगमों के हमरा एहतजाज. भीमगल मंडल के चेंगल गांव में खातून ने अपने शौहर के घर के सामने इंसाफ के लिए एहतजाज किया. चेंगल गांव का रहने वाला नवीन कौर अपने शादी के कुछ दिन बाद 8 साल पहले दुबई चला गया.
नवीन भट्ट दुबई से वापस आने के बाद फिर से जहेज लाने के लिए हिरासत करने लगा, जिस पर खातून ने अपने घर जाकर उसके माँ बाप को सारा माजरा सुनाया। खातून ने इस मौके पर बताया कि शादी में जहेज नगद उनकी तमाम मांगों को पूरा किया गया था। अब नवीन भट्ट फिर से जहेज का मुतालबा करते हुए खातून को मुसलसल हिरासत कर रहे। खातून ने तंग आकर नवीन के घर के सामने इंसाफ तलब करते हुए महिला संगमों के हमरा एहतजाज किया और इंसाफ मिलने तक धरने को जारी रखने का इजहार किया। बर्तन अड़ी कड़ी आईन टॉर्चर लगे ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాలు నేను ఇక్కడనే సంసారం చేసిన, ఎన్ని బాధలు పెట్టినా కానీ ఓర్చుకున్నా నేను. 3 సంవత్సరాలు నాకు ఫోన్ చేయలేదు, అయినా కానీ ఓపిక పట్టినా, ఎందుకంటే మా ఇంట్లో అందరం ఆడపిల్లలమ్మని నేను ఓపిక పట్టినా. ఇంకా కూడా ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల నుండి నేను మా ఇంటికన్నే ఉన్నా, తీసుకొచ్చుకోలేదు. పంచాయతీ 2 సార్లు పెట్టినాం, కులం తరఫున 2 సంవత్సరాల నుండి నేను కోర్టు తిరుగుతున్నాను, కోర్టు న్యాయం జరుగుతుంది. నేను నాది నాకు ఉండాలనుకుంటున్నాను, నా భర్త నాకు కావాలని కోర్టులో పెట్టినా ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా అది చెప్తున్నా, నా భర్త నాకు కావాలి. ఈ అమ్మాయిని చట్ట ప్రకారంగా వేధించడము, ప్రతి ఆ వరకట్నం కింద వేధించడము, అత్తమామ వేధించడము, ఆడబిడ్డలను వేధించడము, ప్రతి ఒక్కనాడు గ్యాస్లను పోసి ప్రయత్నించారు. అన్నిటికి చెయ్యంగా ఆమె తట్టుకోలేక ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏదో మెంటనెన్స్ కేసు ఇస్తే మెంటనెన్స్ కేసులో కూడా న్యాయం జరగలేదు. న్యాయ ప్రకారంగా మేమందరం వచ్చి సమాచారం అక్కచేట జిల్లా అధ్యక్షురాలని కాబట్టి మేమందరం వచ్చి ఇక్కడ మహిళల మందరం వచ్చి ఈ సవంతి గారికి తెలంగాణ మే సర్కారీ అస్పతాల్ బి కార్పొరేట్ అస్పతాలో కి తరహ ఖిద్మత్ మే సబ్సే ఆగే రియాసత్ కే తమామ్ సర్కారీ అస్పతాలో మే అస్రీ ఆలాత్ ముహయ్యా రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాల్శ్రీడి గోవర్ధన్ కా బయాన్ तेलंगाना यौम तासीस के 10 साल तकरीब के मौके पर निजामाबाद रूरल इलाके में तिब्बी यौम सेहत मनाया गया। इस मौके पर रूरल एमएलए व रियासती आरटीसी चेयरमैन बालश्रेटी गोवर्धन ने शमा जलाते हुए इस प्रोग्राम का आगाज किया। इसके बाद केसीआर न्यूट्रिशन केसीआर किट और तौसीफी सर्टिफिकेट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए बालश्रेटी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में तिब्बी सहूलियात में तरक्की लाते हुए सरकारी दवाखानों में मियारी इलाज किया जा रहा। पहले हर कोई सरकारी दवाखाने का नाम लेने पर कतराते थे, लेकिन सीएम केसीआर की दिलचस्पियों से अब आवाम सरकारी दवाखाने से रुझू हो रही है। रूरल इलाके में सीएमआरएफ के जरिए गरीब आवाम को 22 करोड़ की लागत के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। खवातीन की दिलचस्पियों से रियासत तेलंगाना ने बहुत तरक्की की। मुल्क भर में खवातीन के लिए कहीं भी अमल में न लाई गई स्कीम सिर्फ तेलंगाना में अमल में लाई जा रही है। 5,000 కోట్లు మాత్రం ఉండే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఉన్న బడ్జెట్ దాదాపుగా 13,000 కోట్లు మరి కావడం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచనకు నిదర్శనం. గతంలో మన రాష్ట్రంలో కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలో 5 మాత్రం మెడికల్ కాలేజెస్ ఉండే, ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రం సహకరించుకున్న 21 మెడికల్ కాలేజీలు తెచ్చిన ఘనత కేవలం కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో పల్లె దవాఖానాని బస్తీ దవాఖానాని కొత్త ట్రెండ్ను స్టార్ట్ చేసి గ్రామ గ్రామాన మరి యొక్క హాస్పిటల్లో స్టార్ట్ చేసి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలకు వైద్యాన్ని వారి దగ్గర తీసుకొచ్చిన ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారిదే. ఇవాళ వైద్యారోగ్య శాఖలో ఎంత మార్పు వచ్చిందంటే, గతంలో సర్కార్ దవాఖాన అంటే భయపడేవారు పేషెంట్లు, కానీ ఈరోజు సర్కార్ దవాఖానకే సంతోషంగా వచ్చి అడ్మిట్ అయితే ఉన్నారు. ప్రస్తుతులు కూడా ఎక్కువ శాతం గవర్నమెంట్ దవాఖానలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ దవాఖానలో జరిగినటువంటి ప్రస్తుతులు 100% ఏమాత్రం ప్రమాదం లేకుండా మరి పుట్టినటువంటి శిశువు బతికి ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత శ్రద్ధ పెట్టి ఈ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారో మరి ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరో
मवेशियों के चारे के लिए खरीदी गई सूखी घास को कुछ नामालूम अफराद ने आग लगा दी। आतिश प्रो अमले के जरिए आग पर काबू पाया क्या? तकरीबन 3 लाख मालियत का नुकसान। एटपली मंडल जांगमपेट गांव में मजीद नामी शख्स के घास को कुछ नामालूम अफराद ने आग लगा दी। इस वाकये में तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत की सूखी घास जलकर खाकसर हो गई। अलीम कुरैशी नामी काश्तकार ने अपने मवेशियों के लिए तकरीबन 1500 बंडल घास खरीदकर महफूज किया तो कुछ नामालूम अफराद ने आग लगा दी। आतिश प्रो अमले ने आग पर काबू पाया। मुतासिरा का दावा है कि तकरीबन 3 लाख का नुकसान हुआ है। मुतासिरा ने हुकूमत से ताउन का मुतालबा किया। हमारे घास को आज लगा दिए रात में, पता नहीं कौन लगाने वालों। ये जो घास था 100 एकड़ तक का घास बने थे हम लोग, बहुत मेहनत से मजदूरियाँ लगा के एक एक मजदूरी को, एक एक आदमी को 500-600-700-700 रुपये मजदूरी है। मजदूरियाँ लगा के गाड़ियों से खींचने लगा के खेतों वालों को, 100 एकड़ का घास बने, कम से कम 4 से 5 लाख तक का माल ये घास। मेरे पास गाय भैंसा रहते और दूध की भैंसा है, मेरे पास पाड़े रहते, बैला रहते, मुख्य जानवरों को चारा रहता। ये कौन लगा के गए रात में घास लेने वालों? मेरे को बड़ी परेशानी की बात है, घास आजकल मिल रहा नहीं। एक तो पानी पड़ के घास फट गए, तो बड़ी मेहनत से घास बन के रखे थे, ये भी घास पूरा जानवर लोग जला दिए। अब जानवरों को क्या खिलाना, कैसे जानवरों को चारा पानी करना? मेरे पास गाय भैंसा रहते, दूध के भैंसा है और पाड़े हैं, बैला है। और पुलिस वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस फायर इंजन को भी बुलाए, पुलिस वालों को भी बुलाए, इन्फॉर्म करें हम। और हम पुलिस वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हमको गवर्नमेंट से हेल्प कराएं। बर्की डिपार्टमेंट के नाअहली से 2 अफराद की मौत। खेत में बोर मोटर रिपेयर के दौरान बर्की देने से एक प्राइवेट मैकेनिक और एक किसान की मौत। गाँव में मायूसी। इख्तिताम से खबरें कैसे डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत ने इन 9 सालों में की तरक्यात को अवामी शनासा कराने के मकसद से तेलंगाना 10 साल योम तासीस तकारीफ का मना रही है जश्न योम तिब्बी सेहत प्रोग्राम से। असेंबली स्पीकर व अर्बन एमएलए बीगाला। बर्की ओहदेदारान की नाअहली की वजह बोर मोटर रिपेयर के दौरान बर्की देने से दोनों की मौत। गांव में मायूसी। मवेशियों के चारे के लिए लाई गई घास को कुछ नामालूम अफराद ने आग लगा दी। आतिश प्रो अमले ने आग पर पाया काबू। तकरीबन 3 लाख मालियत का नुकसान। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।